तो दोस्तों अगर आप एक शॉर्ट्स क्रिएटर हो, आप एक शॉर्ट्स वीडियो बनाते हो यूट्यूब के ऊपर, तो दोस्तों आपको ये गलती कभी नहीं करना है, या फिर आप कह सकते हो ये मिस्टेक्स आपको कभी नहीं करना है, वरना दोस्तों आपका जो शॉर्ट्स चैनल है वो यूट्यूब पर डिलीट हो सकता है। अभी के टाइम में दोस्तों यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे जो शॉर्ट्स चैनल है वो डिलीट हो रहे हैं बस एक दोस्तों मिस्टेक की वजह से। तो आज की वीडियो में दोस्तों वो मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको नहीं करना है। अगर दोस्तों आप करते हो तो इन फ्यूचर जो आपका शॉर्ट्स चैनल है वो भी जाके डिलीट हो सकता है। तो यार वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, पूरा मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कौन सी मिस्टेक है जो आपको नहीं करना है, पूरा का पूरा मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके आज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ऐसे यूट्यूब रिलेटेड कॉन्टेंट्स देखने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आप मेरे स्क्रीन पर यहाँ पे एक चैनल देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे लगाया है। आप यहाँ पे इस चैनल का नाम यहाँ पे देख सकते हो, नाम है चैनल का फैक्टो श्रेयांश। और बात करें दोस्तों इस चैनल की सब्सक्राइबर की, तो यहाँ पे अभी के समय में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी दोस्तों यहाँ पे 13.4 मिलियन सब्सक्राइबर इनके चैनल पे हैं। और दोस्तों काफ़ी बड़ा नंबर ही सब्सक्राइबर का है, यानी 10 मिलियन यहाँ पे सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में बहुत सारे क्रिएटर्स की यहाँ पे बहुत मेहनत लगती है। और दोस्तों यहाँ पे उनका 10 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है, 13.4 मिलियन इनके चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर है। मैंने ऑलरेडी दोस्तों इनके ऊपर कुछ दिन पहले या फिर 1 मंथ हो गया होगा, मैंने इनके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि कैसे ये वीडियोज़ बनाते, कहाँ वीडियोस देते, पूरा डिटेल दोस्तों इनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। और दोस्तों अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूं इनके चैनल के ऊपर, दोस्तों यहां पे 3 स्ट्राइक आ गए हैं इनके चैनल के ऊपर। और दोस्तों इन्होंने भी वही गलती की जो कि मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं, जो आपको मिस्टेक नहीं करना है। नहीं तो जैसे कि दोस्तों इनके चैनल पर अभी के समय में 3 स्ट्राइक चैनल के ऊपर आ चुके हैं, वैसा कुछ दोस्तों आपके साथ भी फ्यूचर में हो सकता है। तो अगर ऐसा ना हो इसलिए मैं दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ, आप ये वीडियो देख के समझ जाओगे कि आपको क्या गलती नहीं करना है। और रही दोस्तों बात 3 स्ट्राइक की, 3 स्ट्राइक का मतलब दोस्तों ये होता है कि विद इन 7 डेज के अंदर, जैसे आपका 7 डेज कंप्लीट होगा 3 स्ट्राइक के बाद, तुरंत आपका चैनल जो यूट्यूब का चैनल है वो यहाँ पे यूट्यूब से डिलीट कर दिया जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और ऐसे में यूट्यूब आपके चैनल के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, यानी आपके चैनल को नहीं बचा सकता। क्योंकि दोस्तों जिन पर्सन ने यहाँ पे 3 स्ट्राइक ऐसे दिए, 3 चैनल की तरफ से इनको 3 स्ट्राइक देखने मिली है, दोस्तों अगर वो एक भी स्ट्राइक नहीं हटते तो 7 डेज के अंदर इनका चैनल जो है यहाँ पे डिलीट हो जाएगा यूट्यूब से। और अगर दोस्तों उसमें से एक भी स्ट्राइक हट जाती है तो दोस्तों ऑलरेडी जो 2 स्ट्राइक जो बचेंगी वो यहाँ पे 90 डेज के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएंगे। बट अगर 3 के 3 स्ट्राइक अगर 7 डेज में रिमूव नहीं होते तो इनके चैनल डिलीट हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि कंटेंट ऐसा क्या क्रिएट करते थे जिनकी वजह से इनके चैनल पर यहाँ पे 3 के 3 स्ट्राइक आ गए। तो दोस्तों ये क्या करते थे कि ये शॉर्ट्स वीडियो ज़्यादातर बनाते थे। तो शॉर्ट्स वीडियो में क्या बनाते थे कि दूसरे के कंटेंट को यहाँ पे डाउनलोड कर लेते थे, उस पर वो अपनी वॉइस डाल के, यानी वॉइस ओवर करते थे उस वीडियो के ऊपर, देन वो अपने चैनल पर अपलोड किया करते थे। जैसे कि अभी के समय में अगर आप शॉर्ट्स वीडियोज़ देखते हो तो आपको बहुत सारे ऐसे शॉर्ट वीडियो देने मिल जाएंगे जिनके ऊपर बहुत से ऐसे वीडियोज़ होते जो अदर्स चैनल के होते हैं, बस उन पर उनकी वॉइस रहती, यानी वो वॉइस ओवर करके वीडियोज बनाते। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे फैक्टो श्रेयांश भी वीडियो बनाया करते थे वॉइस ओवर करके, तो ऐसे बहुत सारे चैनल से वीडियोस लिया करते थे। और दोस्तों जो ये फैक्ट वीडियोस बनाते थे इसी फैक्ट वीडियोस के वजह से उनका चैनल इतना ग्रो हुआ, और जो कि अभी के टाइम पे यहाँ पे 13.4 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो चुका है। और दोस्तों अभी के समय में इनके चैनल पे भी देख सकते हो दोस्तों, जैसे इनके चैनल पे स्ट्राइक्स यहाँ पे आती गई, इन्होंने क्या किया दोस्तों, जो भी इन्होंने पहले यहाँ पे शॉर्ट्स वीडियोस बनाए थे उस सभी के सभी इन्होंने शॉर्ट्स वीडियोस को डिलीट कर दिया, या फिर शायद दोस्तों उसे अनलिस्ट या फिर यहाँ पे हाइड कर दिया है। जो कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो उनके शॉर्ट सेक्शन में सिर्फ 3 या 4 ही शॉर्ट्स आपको देखने मिल रहे होंगे, और बाकी सारे आपको लॉन्ग वीडियोस देखने के लिए मिल रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जो 3 स्ट्राइक मिले वो दोस्तों कहां कहां से इनको मिले, कौन कौन से चैनल ने दिया है। तो दोस्तों जो पहले के 2 स्ट्राइक वो यहां पे उन्हें यहां पे आउट ऑफ इंडिया से मिला, यानी कोई अदर कंट्री से, यूएसए ऐसे कंट्री से कहीं से उनको यहां पे स्ट्राइक मिला है, जो कि दोस्तों वो वीडियोस यूज करते थे उस चैनल की। और दोस्तों रही एक और स्ट्राइक की, जो 3rd स्ट्राइक है वो दोस्तों यहां पे जो हमारे इंडिया है उसके अंदर से ही एक चैनल ने यहां पे दिया स्ट्राइक, तो उस चैनल का दोस्तों नाम है हेतल आर्ट। और दोस्तों अगर इनके चैनल पे अभी टाइम पे आप देखोगे तो 7.23 मिलियन सब्सक्राइबर इनके चैनल पे है हेतल आर्ट्स के, जिन्होंने इनके चैनल पे यहाँ पे 3rd स्ट्राइक दिए, जो फैक्टो श्रेयांश वो इनकी वीडियोस भी यूज किया करते थे एज अ शॉर्ट्स बनाने के लिए, उसके ऊपर वॉइस ओवर करके डालते थे, तो हेतल आर्ट्स ने भी इनके चैनल पे स्ट्राइक दे दिया है। और दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो भी यार इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ आपको एक काम करना है दोस्तों, जो हेतल आर्ट चैनल जो हमारे इंडिया के अंदर है वो दोस्तों यहाँ पे कुछ मदद उनसे मिल सकती है, अगर वो अपना स्ट्राइक यहाँ पर रिमूव कर दे, यानी अपने स्ट्राइक को वापस ले लेते तो दोस्तों 1 स्ट्राइक उनके चैनल से, फैक्टो श्रेयांश के चैनल से हट जाएगा, फिर दोस्तों बचे रहेंगे सिर्फ 2 स्ट्राइक। तो अगर 2 स्ट्राइक सिर्फ बची रहती तो दोस्तों वो ऑटोमेटिक 90 डेज के बाद यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है, जो हेतल आर्ट चैनल है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा चैनल का, आप
आपको क्या करना है दोस्तों, हेतल आर्ट के चैनल पे जाना है और जो अभी प्रीवियस के यानी करंट जो वीडियोस है जो उन्होंने अपलोड किया है उनके चैनल पे बस आपको कमेंट यही करना है, प्लीज यहाँ पे फैक्टो श्रेयांस के चैनल से जो आपने स्ट्राइक दिया उसे रिमूव कर दे। दोस्तों बस आपको इतना सा काम करना है, जो जो इस वीडियो को देख रहा है प्लीज जाके इतना काम कर देना, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते होंगे क्योंकि एक चैनल बनाना और उस चैनल पे काम करके उस चैनल को इतना ग्रो करना, और आप जान सकते हो इनके चैनल पे अभी के टाइम पे 13 मिलियन सब्सक्राइबर है, कितना बड़ा नंबर दोस्तों हो जाता है। और ऐसे में अगर किसी का चैनल डिलीट हो जाए तो दोस्तों आपको भी पता होगा कि उसे कैसे लगता होगा। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है छोटा सा यार, प्लीज जाके इतना हेल्प कर देना जो मैंने आपको वीडियो में बताया है। और दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप एक शॉर्ट्स क्रिएटर और शॉर्ट्स वीडियोस बनाते हो तो किसी का भी कंटेंट ऐसे ही दोस्तों बिना पूछे यूज मत कीजिए। और दोस्तों अगर आप यूज भी कर रहे हो तो एक काम को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी का कंटेंट को यूज कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसे क्रेडिट दे देना है। क्रेडिट में क्या लिखना है, जो चैनल से आपने फोटेज या फिर ली है या फिर कोई वीडियोज ली है जिसको आप अपने वीडियोज में यूज कर रहे हो तो उस वीडियो का नेम या फिर उस चैनल का नेम आके आप लिख सकते हो, और नीचे आपको थोड़ा सा ब्रैकेट में डाल देना है कि आपने उस चैनल से यहाँ पे क्या लिया है, फोटेज लिया है या फिर आपने वीडियोस यूज किया है। तो दोस्तों हमेशा इस बात का ख्याल रखना, कोई भी क्रिएटर और लॉन्ग क्रिएटर और शॉर्ट्स क्रिएटर, अगर आप किसी के भी चैनल से यार वीडियोस या फिर फोटेज यूज करते हो प्लीज यार डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट दे दिया करो, नहीं तो आगे चल के आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। दोस्तों सामने वाला चैनल जिससे आपने यहाँ पे सोच समझ के जिसके चैनल से यहाँ से वीडियोज को यूज किया था दोस्तों, आपने सोचा था कि वो यहाँ पे स्ट्राइक नहीं दे सकता, बट फ्यूचर में वही चैनल चल के आपको स्ट्राइक देती है दोस्तों, और आपका जो चैनल है वो टर्मिनेट भी हो सकता है इसे। तो आपको इस बात का ख्याल रखना दोस्तों, इस गलती को आपको कभी नहीं करनी है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ऐसे कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल एवी टेक्निकल टिप्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ऐसे यूट्यूब के रिलेटेड कंटेंट्स देखने के लिए। तो बस फ्रेंड आज के लिए वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते किसी और नए यूट्यूब वीडियो के टॉपिक के साथ।